चलो देखो एक बात, हम लोग जो कल लिमिट ऑफ इंफिनिटी हम लोग पढ़ चुके थे, बोलिए मतलब लिमिट ऑफ इंफिनिटी हम लोग पढ़ चुके थे कि जिसका लिमिट होता है इंफिनिटी होता है उसमें क्या करते हैं, हम लोग कल पढ़े थे कुछ डिटरमिनेंट प्रॉब्लम, डिटरमिनेंट प्रॉब्लम जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो भी हम लोग देखे थे। तो हमने बताया था कि जब भी आपको इंफिनिटी दिया हुआ लिमिट में है ना, उसको सबसे पहले हमने एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, यानी रेशनल नंबर बनाना जरूरी है, रेशनल जो आपको क्या कहते हो परमेश्वर, परमेश्वर कहते हो हाँ ठीक है। उसके लिए, उसके लिए जो पढ़ी तो आपको न्यूमरेटर यानी अंश को भी सुनाई यानी परिमेयीकरण करना है, या अगर नीचे होगा सिर्फ ऊपर सिर्फ खाली सिर्फ वन होगा, ऊपर सिर्फ क्या होगा, अगर नीचे दिस अपॉन वन अपॉन दिस होता, ध्यान दीजिए ये वन अपॉन दिस होता है, ये नीचे में होता है ऊपर खाली, ऊपर खाली न्यूमरेटर में वन होता है ना, तो वहां भी हमने डिनोमिनेटर को वहां पर रिसमाइज करना होगा, परिमेयीकरण करना होगा है ना। अब ये मत बोलना है, ध्यान ये मत बोलना कि सर अभी तक रेशनल नंबर है ना, लेकिन है, लेकिन नीचे में वन है, यानी ऊपर भी नीचे भी कुछ वेरिएबल चाहिए, क्या चाहिए, रेशनल नंबर कहां ये अभी नहीं है मतलब होगा ये, हां अरे वेरिएबल मतलब इक्वेशन है, लेकिन मतलब कहेंगे कि डिनोमिनेटर का अभी वन है ना, लेकिन हमने चाहिए कि न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी अगर x का लिमिट है, x का फंक्शन है, उसमें x कुछ चाहिए हमें है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्यों ऐसे कर रहे भाई, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी पुट कर सकते, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, यही ना होगा, हम डायरेक्ट पुट करते भी है तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का, यही ना, और प्लस का इन्फिनिटी, यही ना होगा, तो इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी और प्लस वन, नंबर वन ये है कि इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट डिटरमाइन नहीं कर सकते है ना, यानी इनडिटरमिनेट हो गया, नहीं हो गया, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी आप नहीं कर सकते, इन्फिनिटी स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आप नहीं कर सकते आप है ना, क्योंकि वो भी क्या है आप इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमाइन इसको आप नहीं कर सकते। तो जब ऐसा हालात आएगा है ना, तो हमने कुछ करना होगा, तो हम कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, और ऐसे भी याद रखना है कि जब भी लिमिट की बात होगी तो आपको इसको रेशियो में बनाना होगा, यानी ऊपर कुछ होना चाहिए नीचे भी कुछ होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको हम बी बाई क्यू फॉर्म करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, तो माइनस एक्स प्लस वन सुधार समझ नहीं पाती, ये प्लस तो पहले से ही, इसको क्या करना है इसको सिम इसी से सिर्फ प्लस को माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे ऊपर भी और नीचे भी, जो काम करेंगे ऊपर वही काम नीचे भी करना होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ भी करना होगा ठीक है, यहाँ पर भी सेम आपको ये जो लिखे आप यहाँ पर ये होता है रूट वाले को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी नीचे भी, हिंदी में कहते हैं परिमेयी करण, अंश को हम परिमेयीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, अंश को यानी न्यूमरेटर को कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है एक्स प्लस वन, फिर यहाँ माइनस है अनुरूप क्या है एक्स, यहाँ पे किए तो सर यहाँ से नहीं आया, चलिए ठीक है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये पूरा टर्म यहाँ से आज ए है तो ए क्या है बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आज तक सब जानते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और टाइम्स क्या ए प्लस क्या बी, यही होता है ना, आइए तो हम जब इसका इसका ए स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा है ना, साथ में आपको लिमिट नहीं छोड़ना है, लिमिट को हमेशा क्या लेके चलना है, इसको नहीं छोड़ना है ठीक है, आइए लिमिट एक्स टेंड टू चलता रहना है ना, ध्यान दीजिए यहां पर एक्स टेंड टू लिमिट, कभी ऐसा मत रखना है कि एक्स इक्वल टू हम
यस इक्वल टू इंफिनिटी नहीं कह सकते है, या कोई भी लिमिट दिया होता है इंफिनिटी हो या कोई भी हो वो इक्वल नहीं है, उसकी वैल्यू वहां तक अप्रोच करता है, उसके आसपास तक वैल्यू जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट से भी जाए या राइट से, लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, दोनों उसके आसपास जा रहा है, एकदम करेक्ट वैल्यू इंफिनिटी नहीं होता है। और इंफिनिटी का मतलब बहुत लार्ज, कितना लार्ज हम कहें, जो हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा, जो हम सोच लेंगे उससे भी ज्यादा होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है नहीं। तो ये स्क्वायर यानी क्या रह जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर रूट कट गया माइनस क्या एक्स, अब प्लस वन, ये क्या है माइनस होगा, वहां पर ध्यान ध्यान देना माइनस क्या एक्स, एक्स इसका रूट का स्क्वायर खाली एक्स बचेगा, बचेगा क्या बचेगा, बचेगा ना अपोन में, हाँ जी बोलिए बोला माइनस ये स्क्वायर, ये था हमने देखा इसको सरफेस करोगे ना नीचे, आइए नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे जो था उसी को लिख देना है ना, और माइनस क्या बस। अब हमारा ये हम जानते हैं कि ये p बाई q के फॉर्म में आ चुका है, यानी क्या जानते क्या एफएक्स अपॉन में जीएक्स, अब p बाई क्या q नहीं लाना है, अरे p बाई q तो यहां भी था नहीं था जी, p बाई q तो भी फॉर्म था, p अगर पूरा ये है तो नीचे में क्या होगा ना q था क्या था यहां पर, लेकिन हमने p बाई q का मतलब है एफएक्स अपॉन जीएक्स, यानी ऊपर भी फंक्शन होना चाहिए x का, नीचे भी फंक्शन होना चाहिए x का, ये करना हमने है, खाली p बाई q नहीं करना है, हाँ ये कह सकते हैं कि p अपॉन q करना है, अगर इस बार x का फंक्शन अगर x का फंक्शन में करेंगे सब में करेंगे, जिसमें नहीं है उसमें अपॉन में, और जिसमें है तो हाई है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हमने सोचना है, अब हमने करना है, क्या करना है हमने बताया था कल कि सबसे हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री कह सकते हो कि जो fx का डिग्री है और जो gx का डिग्री है, डिग्री होता हाईएस्ट पावर, उसे क्या करना है उसको उसमें कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए कॉमन निकाल दीजिए, और कॉमन निकाल दिए चाहे उसको डिवाइड की बात क्या है, तो आइए इसमें सबसे, लेकिन जो पहले कटता है उसको काट दीजिए, कट रहा है बेचारा, ये गया नहीं गया नहीं गया नहीं गया नहीं गया नहीं गया एकदम नहीं गया है, दोनों ही माइनस है, तो थोड़ा सा सॉल्व तो होगा ना, सॉल्व कर सकते हम लोग नहीं, क्या हो जाएगा वो टू माइनस, एक बार लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, ये माइनस एक्स और माइनस है क्या हो जाएगा, हाँ टू यानी टू एक्स हो जाएगा, प्लस छोटा हो गया नहीं, और नीचे तो वही लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और फिर माइनस अंडर रूट क्या, अब देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ सबसे बड़ा क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक झटके में कौन ऐसा है जिसका आंसर बता सकते हो, एक झटके में सारा कुछ होगा, और कोई एक झटके में खाली इसको देख के बता देना है आंसर, ध्यान दीजिए कल मैंने बताया था कि अगर कल मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, पावर सेम है, डिग्री सेम है, तो उसकी कोएफिशिएंट है, उसकी जो कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वही क्या होगा आंसर होगा, कल क्या था ना ये था, हाँ ये भी मैंने बताया था कि जब ऊपर का डिग्री बड़ा है नीचे से, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन व्हाट, तब क्या होगा, और ये भी बताया था हमने कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ क्या डिनोमिनेटर, तो भी बताया था क्या होगा, तो वो सब बात याद रखना क्योंकि वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव वगैरह हो तो है ना, तो ये प्रिंस दूसरा आंसर आएगा, बोला टू आंसर आएगा, इसका पूरे का सॉल्यूशन जो होगा टू आएगा, और अब बोलना है एक बार बता सकता है क्या खुशी, खुशी बता सकती है टू ही होगा, और सोनू इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होगा, और हिमांशु नहीं नहीं सागर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये लोगों ने बोला इन्फिनिटी आंसर होगा, आप बोले टू होगा, टू कहां से आएगा भाई, सागर बताएगा, अरे भाई हाईएस्ट पावर ये है इसमें टू दिख रहा है आपको, अब इसमें टू दिख रहा है वो इसमें टू है हाई पावर, यहाँ पर यहाँ पर टू दिख रहा है, यहाँ पर टू है तो कैसे कह दिया है, और यहाँ भी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर यानी हाई पावर जिसको डिग्री कहते हो घटांक कहते हो वो सेम नहीं है, अलग अलग है, देखिए यहाँ पर यहाँ एस स्क्वायर टू है, नीचे टू है, और नीचे वाला का
रूट भी तो है इसमें, ठीक है हमेशा स्क्वायर से यहाँ पर कॉमन लेंगे, लेकिन बाहर क्या बनेगा, खाली एक्स बनेगा जी, है खाली एक्स बनेगा, ध्यान दीजिए मैं इसको कर रहा हूं, एक लाइन नहीं कर, ध्यान दीजिएगा, आइए ऊपर तो मैंने एक्स स्क्वायर से यानी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ऊपर हमने क्या लिया है, हाँ एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, आइए एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचेगा क्या बनेगा कटेगा यहाँ पर, क्या बचेगा ये नहीं बचेगा जी, और माइनस यहाँ क्या है, ओनली रूट एक्स है, यहाँ क्या क्या गलत है, निकालेंगे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, लेकिन कैसे अभी रहने दिया हमने, अगली बार आएंगे इसी बार कर दीजिएगा इसको, यहाँ से एक्स स्क्वायर है अगर इसे बाहर निकाल देगा इन दीजिएगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे आप फिलहाल अभी, चलो इसमें करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, चलिए तो अगर ऐसे अभी है, अब मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर ऐसे निकला ना, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में, वन बाई एक्स बचेगा, क्या बचेगा इन बचेगा जी, ठीक है अब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा एक्स बनेगा, और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स बनेगा, यानी कुल मिलाकर पूरे से बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा, ध्यान दीजिएगा कुल मिलाकर पूरे से क्या आएगा, एक्स आएगा, मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, आइए इसमें एक भरेगा, ध्यान दीजिएगा तो मैं इसको लिख रहा हूं अभी, लिमिट एक्स टेंड टू क्या है, इंफिनिटी है, ध्यान दीजिएगा पर, और ऊपर एक्स स्क्वायर है ये, माइनस क्या है ये, और ब्रैकेट में वन माइनस क्या प्लस वन बाई एक्स, ये हो गया नीचे भाई है, यहाँ से एक्स निकलेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर और क्या है बाहर से एक्स, इसका रूट एक्स, इनका भी एक्स बच गया, रूट में जो मैटर बचे लिख दिया वन माइनस क्या वन बाई और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस क्या रूट में ही है, कितना है वन बाई एक्स, ये देखिए ये x एक तो गया तो बचा कितना ऊपर में एक x बचेगा ना, एक x बचा हुआ है, एक बार लिखिए आइए एक टू इंटू क्या आइए x वन माइनस क्या टू बाई एक्स अब प्लस वन बाई क्या एक्स स्क्वायर अब वन बाई क्या अंडर रूट क्या वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अब माइनस अंडर रूट क्या वन बाई एक्स, ए ना जी अब ऊपर में एक्स बचा, ठीक है अब लिमिट पुट करना हमने, यहां तो पुट होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट तो पुट होता नहीं है, है ना जो कांस्टेंट वही रह जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा टू बाई एक्स यानी इन्फिनिटी पुट कर रहे थे ये जीरो बन जाएगा, वन बाई एक्स लिमिट क्या बन जाएगा जीरो, यहाँ इन्फिनिटी जैसे पुट होगा तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है जीरो हो गया, जीरो हो गया ये भी क्या होता है ये वन रहेगा ये जीरो ये भी जीरो है ना ये भी जीरो यानी नीचे भी क्या रहेगा वन, ध्यान दीजिएगा लेकिन हमारे पास एक एक्स भी बचा हुआ है ना तो इस एक्स का भी इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा और ये सब वन माइनस जीरो ये सब जीरो हो गया ये, ठीक है नीचे भी क्या है अंडर रूट में सिर्फ वन बचेगा जीरो हो गया है, यहाँ भी क्या जीरो जीरो हो चुका है पूरा जीरो हो गया है, तो बताइए यहाँ भी वन बचा नीचे भी तो वन ही है लेकिन इन्फिनिटी पुट बचा हुआ है ना, तो आंसर क्या बनेगा इसका तो ये आपका आंसर क्या हो गया है इन्फिनिटी हो गया, अगर ये डिग्री सेम होता ऊपर नीचे है ना तब आपका आंसर वन आता है क्योंकि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वन है, अब बात समझ गया पर, ठीक है सेकंड क्वेश्चन लगा बोल दीजिए यहाँ पर जो नहीं जिनसे नहीं हुआ वो बोल दीजिए, नहीं जो जिनसे नहीं हुआ वो बोलेंगे, कौन बोल रहा है नंबर बोलिए, टू नहीं हुआ है किसी नहीं हुआ जी, सर एग्जाम सबसे सिंपल क्वेश्चन है किसी से टू नहीं हुआ है, सबसे सिंपल
ध्यान दीजिए बोली बात सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए सेकंड ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये करना है कि फैक्टोरियल में है तो फैक्टोरियल को हमने कुछ तोड़ना होगा तोड़ के हमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे अब क्या होगा सर ये तो ऊपर भी एन है नीचे भी क्या एन है लेकिन बिहार फैक्टोरियल में तो कुछ हमने सिंप्लीफाई पहले करना है क्या करना है सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा और ऐसे भी जब अगर डायरेक्ट आउटपुट करेंगे इन्फिनिटी फैक्टोरियल इन्फिनिटी फैक्टोरियल क्या है इनडिटर्मिनेट है वो सॉल्व नहीं कर सकते बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा सॉल्व भी नहीं कर सकते ना उसको डिटरमाइन हम इनफिनिटी फैक्टोरियल हम सॉल्व नहीं कर सकते वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सब सॉल्व कर लेते हो लेकिन इनफिनिटी फैक्टोरियल का सॉल्व नहीं कर सकते ताकि हम करेंगे कुछ तो क्या करेंगे इसको n n प्लस हमने n प्लस 1 तक आया है यहां पर है ना तो हम इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ना हमें देना पड़ेगा है ना तो ऊपर जा ऊपर तोड़ेंगे अगर एक्सप्रेस करेंगे तो n के बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल इसके बाद n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे होता है नीचे ऐसा तरफ कोई नहीं है अब इसको देखते हम n प्लस 1 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा n फैक्टोरियल वो ठीक रहेगा नहीं कम नहीं ठीक रहेगा इसको हम आगे बढ़ाते हैं ध्यान दीजिएगा ऊपर छोड़ दीजिए ऊपर जो है एजिटिव लिखना है नीचे वाले को n प्लस 1 n प्लस 1 बैठिए अंदर n प्लस 1 फिर क्या होगा अगला एन प्लस वन माइनस वन तो वन और वन कट जाएगा बचेगा एन फैक्टोरियल ठीक है चलिए इसके आगे क्या होगा कॉमन आ रहा है और लिमिट लिखना पड़ेगा हमें लिमिट तो चलता रहेगा लिमिट एन फैक्टोरियल इनफिनिटी है ठीक है चलिए तो कॉमन क्या आ रहा है एन फैक्टोरियल तो अब यहां तो कॉमन ले लीजिएगा तो नीचे है एन फैक्टोरियल क्या बनेगा एन प्लस वन और माइनस क्या वन एन बचा अब एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल फैक्टोरियल का मामला तो गया आगे बढ़िए अब क्या हो जाएगा वन अपॉन क्या बचा एन प्लस वन माइनस वन है ना देखिए सर ये वन वन कट गया है अब क्या बचा है लिमिट एन फैक्टोरियल और वन कट गया हमारे पास फंक्शन अब जो बचा है वन बाई एन क्या बचा है यहाँ पर वन बाई एन तो वन बाई एन बचा है तो आप तो कोई आंसर बता सकते हो क्या इन्फिनिटी चलिए और हिमांशु वन बाई एन बचा है आपके पास फंक्शन है ना और हमारे पास है देखिए ध्यान से एक बार ये जो लिमिट है हमको ध्यान दीजिए जब इन्फिनिटी का लिमिट है यहाँ पर तो हम कहते हैं कि भाई हम एफ एक्स अपॉन जे की फॉर्म लाना जरूरी है इसका मतलब क्या पता है मेन मोटिव क्या है मेन मोटिव यही है फंक्शन हो जाए वन बाई एन बन जाए वन बाई एक्स बन जाए वन बाई वाई बन जाए दस बाई वाई बन जाए दस बाई वाई स्क्वायर बन जाए दस बार वाई के पावर सौ बन जाए कुछ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें मेन जो मोटिव होता है यही बनाना है ये यानी कॉन्स्टेंट अपॉन क्या कॉन्स्टेंट अपॉन नीचे कोई वेरिएबल होना चाहिए बात समझ रहे हैं हमारा मोटिव है और खुद यहाँ बन चुका है खुद यहाँ पर वन बाई एन बन चुका है तो माफी बताना आंसर कितना होगा जीरो और ये सीधा कैसे हाउ कैसे सर प्रोसेस जीरो कैसे हुआ वन भाई एकदम सही है सही है ना चलिए तो आंसर कितना आ गया बात पुट कर दीजिए वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा जैसे वन बाई इन्फिनिटी पुट कीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा अच्छा ये बताइए कि देखिए सागर फिर बैठ जाओ ये वन बाई इन्फिनिटी हो गया हमने से जीरो कर देते हैं हम लोग तो क्या वन बाय इन्फिनिटी एकदम सच में जीरो होता है एकदम करेक्ट जीरो है वन बाय इन्फिनिटी हालांकि हमने कल भी बताया था इस बात को हमने है ना तो वन बाय इन्फिनिटी हमने इक्वल टू जीरो लिख दिया है तो एकदम क्या डेफिनेट करेक्ट जीरो होता है सच में करेक्ट जीरो है वन बाय इन्फिनिटी करेक्ट जीरो होता है डेफिनेट जीरो होता है क्या नहीं सर क्या
कैसे सागर एक्सप्लेन कीजिए इसको। हाँ, 1/NPT एकदम क्या करेक्ट डेफिनेट जीरो होता है? नहीं सर, हाँ जीरो की तरफ टेंड करता है जी। अगर हम कहें तो इसका अच्छा यह होता यह ऐसे लिखना। अब सही है, अब सही हुआ हमारा। अगर हम पूरे करंट की बात करें तो ये लिखना इक्वल टू बीच में लगाना क्या है, गलत है। ये जगह सही हुआ है ना, लेकिन हमने तब लाइन में आंसर दिखाना था क्योंकि लिमिट का आंसर एक तरह से पूरा करंट ही नहीं आता है, वो भी क्या है है ना। लेकिन करेक्ट ज्यादा क्या होगा, करेक्ट ये है, ये लिखना करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं था, हमने आंसर अलग लिख दिया, लेकिन लिख दिया हमने, लेकिन करेक्ट ये होता है। ठीक है, जो पूछेगा तो वो बताना है 1/NPT मतलब टेंड्स टू 0, 0 तक जा रहा है, करेक्ट 0 नहीं है, डेफिनेट 0 नहीं है, बात समझ लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी छोड़ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आप नहीं इस क्वेश्चन को कौन कौन किया है, कोई किया है? हम नहीं किए सर। आप नहीं किए, कोई और निकल आया। बस ध्यान दीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को कोई किया है जी, कोई किया है? आप निकल, आप किया है? नहीं सर। कितने क्वेश्चन का किया है? 9 आपको होमवर्क दिया गया, तो कितने किया है? अभी मैं चेक करूंगा, अभी सबको हुआ है, अभी ध्यान रखेगा। ठीक है, ये भी नहीं किया कोई, ध्यान से लीजिएगा भाई। इसमें हमने x+1, x+2, x+3, x+ क्या है जैसे? अरे सर, हम पूछे थे कि PMI की जैसे करना है इसको, PMI की जैसे करना है, PMI की जैसे करना है। हाँ, नहीं उत्तर कर के PMI नहीं, ध्यान दीजिए पर आप देख रहे पावर सब क्या है, 10 है, मतलब सेम है, लेकिन इनवॉइस लाया लीजिए, रखिए, बंद कर, यानी ध्यान सुनिए पहले पर कि x+1 x+2 ये जो आपका नीचे x+1 हो रहा है, x+2 हो रहा है, x+3 हो रहा है, x+ क्या हो रहा है, कहां जा रहा है? 100, ये तो 100 जा रहा है, यानी पक्की बात है इसमें जो टर्म रहा होगा कितना होगा, समझिए के बारे में, इसमें जो टर्म रहा है वो बात कर दी, इसमें जो टर्म रहा कितना होगा, 100 होगा। अब इसको हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं x की पावर क्या आएगा, x की पावर 10 आएगा। मोहन पंडित जी, मोहन पंडित जी, और इसमें भी x की पावर 10 आएगा। यस सर, सब टर्म में x की पावर कितना आएगा, 10 आएगा। वो कितने बार आ रहा है, वो 100 समझिएगा, 100 के बार आ रहा है ना। यस सर, ये मतलब यहां 10 की पावर 10 आएगा, यहां 10 पावर 10 आएगा, 10 पावर सबसे बड़ी डिग्री, हम बड़े डिग्री टर्म तो और भी आएंगे, टर्म जिसको हम जो पावर 10 है तो टर्म तो और भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो डिग्री है, सबसे जो बड़ा हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री कहते हैं पावर को, तो वो हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा x की पावर का 10 आएगा, सब 100 तक का कितना टर्म आएगा, 100 तक। और हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे सबसे बड़ा यानी सबसे हाईएस्ट पावर जो उससे हम क्या करें, उसको कॉमन नहीं लेना है, समझिएगा, कॉमन नहीं लेना है। आइए हम सब करेंगे, पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, पर लिमिट आप ये बताइए पहले कि मैंने आपको बता दिया है पर कि भाई, अरे भाई बंद करो जी, बंद करो, बंद लो, नहीं चला मोबाइल, जब दीजिए जब दीजिए लीजिए सर। तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया मैंने कि हमने कहा कि इसमें भी x का पावर 10 आएगा, x का पावर इसमें 10 आएगा, सब में आएगा, ये कितने टाइम्स आएंगे, 100 टाइम्स आएंगे, x के पावर 10 100 टाइम्स आएंगे, 100 आंसर आएगा है ना, और
उसको जब डिवाइड करेंगे कॉमन लेंगे हम एक्स की पावर कितना फिर कॉमन लेना पड़ेगा यही करना पड़ेगा यही ना जी हाँ सर है तो अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर कितना आएगा बराबर है अच्छा उसको बनावल है भाई चलिए और कोई 100 आएगा सर निखिल क्या करना है निखिल को 200 निखिल 501 अब समझिए ध्यान से हम लोग हम समझ रहे हैं कि यहाँ से क्या कॉमन आएगा समझिए ध्यान से समझिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम लोग क्या होता है इस टर्म से कॉमन लीजिए कितना कॉमन लेंगे भाई तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 आया क्या बचेगा सर सर हाँ बोलिए सर कौन आएगा देखते हैं अभी बोला इसमें भी हम लेंगे एक लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा ये नहीं आएगा जी पूरे फॉर्म कितना है आप थोड़ा जो टोटल सब जितने टर्म अरे भाई सुनो यहाँ पर जितने टर्म में सब को मिले लाने से तो हमने दो डॉट कर दिया प्लस कर दिया हमने यहाँ पर जगह नहीं है तो मेजर करता हूँ या जगह है तो इसको हम सर हाँ इधर बढ़ने का आगे बढ़िए आगे नहीं बढ़ना है ना अभी दी जाए बढ़ना है हाँ करेक्ट करेक्ट बनाएं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और ऐसी जब मैं यहाँ लूंगा यहाँ पर तो इसमें भी लेना पड़ेगा जी क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स एक और 1 + 100 कितना एक कितना है 10 अब बताइए यहाँ पर अपॉन में क्या है सर अपॉन में क्या है पर है एक्स की पावर 10 एक पावर 10 यहाँ पर भी है ना तो यहाँ भी करना पड़ेगा नहीं कॉमन निकालेंगे तो चलिए निकाल दीजिए तो ये सीधा निकल ही रहा है निकालिए तो कितना बचेगा 1 आइए क्या होगा 10 ठीक है आइए अब आगे आइए अब बताइए यहाँ पर एक्स पावर 10 यहाँ पे निकल रहा है समझिएगा पहले अब देखिए 10,000 क्या प्लस यहाँ भी एक्स पावर कितना 10 निकल रहा है 1 प्लस कितना तो भाई एक्स ऐसे कितने बार आएंगे 100 बार कितने बार है हाँ यहाँ भी निकल गया है बच्चा 1/100 अपॉन क्या इसको अपन ना है स्टार्टिंग है ओके इसके लगे कैसा है इन लगे जी सर ऊपर लिखेंगे 10 चाहे वहां लिखेंगे 10 नीचे में क्या है एक बार क्या 10 और 1 प्लस क्या जो बात करना बंद कर दीजिए ये ना है यस सर ये तो गया अपना पर ये कैसे हो गया है अब जो बच्चा उसमें हमने लिमिट पुट करना है करना है ना अब ध्यान समझिएगा लेकिन हाँ अभी नहीं जाएगा क्योंकि एक बार कॉमन लेना पड़ेगा पहले हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया भाई एक ऐसे बोल जाना पड़ेगा लिमिटेड एक्स इनटू कितना इंफिनिटी एक बार और चलिए लिमिटेड एक्स इनटू कितना इंफिनिटी समझिएगा अब क्या करना है बीच में प्लस 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 है समझिएगा यहाँ पर और मैं आपको कुछ पूछने वाला हूँ ठीक है ना इसलिए पहले तो मैं लेता हूँ पूछूंगा सबसे कॉमन होगा या प्लस हो या माइनस हो कॉमन से बार आएगा तो अब क्या करेंगे बच्चा 1 + 1/x टू द पावर कितना 10 प्लस 1 प्लस अरे कौन बोला जी 10 प्लस कितना डॉट डॉट आया क्या बचेगा 1 + कितना 100 कितना यस ये 100 टाइम्स कॉमन लिया गया है मतलब समझ से लिया गया है भाई तो ये 100 टाइम्स हो चाहे 1000 टाइम्स हो चाहे एक करोड़ हो चाहे जो भी हो है ना चाहे इंफिनिटी तक होता तो भी तो निकलता कितना मैंने कहा प्लस है अगर माइनस रहता कभी नहीं निकलता है ना लेकिन समझिएगा लेकिन लेकिन क्या होगा आपसे मैं पूछने वाला हूँ ध्यान समझिएगा मैंने तो अभी ठीक है हमने तो कर दिया कैंसिल कर दिया हमने अब टर्म जो बचा हमने लिमिट यूज करना है इन्फिनिटी लेकिन मैंने कहा कि बीच में प्लस जो लिखा है या माइनस भी नहीं होता अगर इस बीच में जो यहाँ पर प्लस है वो उसकी जगह मल्टीप्लाई होता है
अगर ये मैंने कहा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो अभी मैं जो लिखा रहा हूँ कॉमन एक टू पावर टेन तो इस पर मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है से बताना तो क्या होता? तो यहाँ क्या लिखा जाता है क्या यही लिखा जाता है मैंने कहा माइनस हो तो भी लिखा जाएगा लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई होता बीच बीच में टर्म हर टर्म के बाद मल्टीप्लाई सारे टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म होता प्रोडक्ट के फॉर्म होता तो देन वर्क चलो नवनीत ने बोला यही लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता चलिए हिमांशु जल्दी फटाफट तो यहाँ क्या लिखते हम ठीक है आपका ये कहना है और खुशी मतलब जो है वो लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ठीक है और लास्ट नवनीत पता नहीं था चलिए आप बताइए सब में x टू द पावर 10 x टू द पावर है ना सर यस मल्टीप्लाई होगा हाँ तो x टू द पावर 10 100 टाइम हो जाएगा अब उसको मैं से 10 हां मतलब अरे x टू द पावर 1000 लिखते हैं मैं यहां क्या लिखता x टू द पावर 1000 x टू द पावर 1000 इन्होंने बोला एक टू पावर 1000 हो जाएगा इन्होंने बोला एक टू पावर 1000 यानी क्या कहा इसने एक टू पावर 10 सब में है ना यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है मल्टीप्लाई में है तो जब मल्टीप्लाई में होता है और बेस क्या है सेम है तो पावर क्या होता है होता है कि नहीं होता है मैं यहाँ लिख दू क्या होता था उस मामले में कि इधर से कि एक टू पावर क्या है 10 मल्टीप्लाई पावर क्या 10 एक पावर क्या 100 इधर से 100 तक होता मल्टीप्लाई होता ये मल्टीप्लाई है यदि 100 टाइम्स होता कितने टाइम होता 100 टाइम्स अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ समझिए एक बार 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार 2 है सर 20 ना होता 20 जोड़े के लिए एक पावर टाइम छोड़ता है ये अरे मैंने तो अभी 100 तक लिया है कि 100 तक ऐसी है अच्छा अभी दो मल्टीप्लाई दो डॉट सौ तक है ना सौ तक नंबर होता ना ये अब खाली तुम किसके होंगे सौ तक है ये तो है ना तो मैंने कहा आप पूछे होंगे टू मल्टीप्लाई टू कितने बार है ये क्या इसको लिखोगे टू की पावर क्या लिखोगे टू की पावर फाइव लिखोगे ना यानी पावर इसका वन वन था तो पावर क्या हो गया जुट गया तो जी यहाँ भी नहीं होगा यहाँ भी नहीं होगा एक टू दी पावर कितना होगा 10 प्लस 10 कहाँ तक है 100 तक होगा 10 प्लस 10 प्लस 100 100 तक होगा कि 100 को तय होगा है 100 टाइम्स 10 होगा ना ये 10 ये कितने बार था 5 बार तो 1 प्लस 1 होता है 5 आया या सीधा 1 मल्टीप्लाई क्या करते हैं बात क्या है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए या फिर अपने 1 + 1 + एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आ गया है ना एक्सपोनेंशियल आ गया बातें क्या है ना एक्सपोनेंशियल रूल आ गया या 10 10 10 1000 या 100 तक है ना निखिल कह रहा है सब क्या हो रहा है ना निखिल कह रहा है सब पता नहीं क्या हो रहा है पता तो है सर मतलब इसे पद तो बढ़ा रहा है इसीलिए हम सब निखिल बता दिया था सब बता कर लेंगे 100 बता था एक टू दी पावर 100 टेबल है हां टू दी पावर 10 टू दी पावर 100 बोल अच्छा ऐसा बोले थे अच्छा मैं बोल देता हूं उन्होंने बोला कि एक टू दी पावर 10 और उसके पावर ऊपर क्या 100 बोला है हां ना वो जो यहां पर आएगा ये रूल अपना ध्यान दीजिए तो 10 10 10 एक हो गया कितना हो जाएगा यहां पर अब कितना बन जाएगा ये 100 तक है तो ऐसा आप कर सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई किया करते क्या 100 कितना बन गया 1000 इतना बन जाएगा क्योंकि जब 111 है पांच बार तो पांच बार तो पांच बार 5 मल्टीप्लाई 1 कर दिया ये 10 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100 हो गया तो क्या हो गया यहां पर 1000 हो गया कब होता है ऐसा जब मल्टीप्लाई होता तब होता है ऐसा है ना लेकिन यहां पर क्या है यहां पर हमारा थोड़ा सा है अब क्या होगा इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे आइए
अब लिमिट पुट कीजिए क्या होगा यहाँ पर, ये जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो, तो एक 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 जुटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो अब एक प्लस एक प्लस कहाँ तक होगा, 200 तक होगा, कहाँ तक होगा, 100 तक होगा, अब फोन में क्या होगा, तो आंसर कितना आ गया जी, सॉल्यूशन कितना आ गया यहाँ पर, 100 आ गया, अब जाके सॉल्व करेगा कितना आंसर आ गया, 100 आ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट बोलिए, कौन सा बोलिए, अरे कोई और पता नहीं, बोलिए जल्दी पढ़ो, बोलिए कोई और है, सर वो लिखिए लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी, और 5 है, हां सर 5 मतलब लगता है, नहीं सर 3 के बाद 5 है, अच्छा बोलिए लिमिट है एक्स टू इनफिनिटी, आगे बोलिए 1 upon n square, 1 upon n square, plus 2 upon n square, plus 3 upon n square, निखिल क्या कह रहे हैं इसको, टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया है, बोलिए आइटम क्या लेना, निखिल जल्दी बोलिए, क्या आइटम ले, क्या करें पहले, हम पहले एलसीएम ले लें, अच्छा तो ठीक है, आपने बोला एलसीएम लेने की बात है, या उससे अच्छा है कि हम वन अपॉन एन स्क्वायर क्या करते हैं, नहीं नहीं तो वैसे हाँ, एक ही बात के बाद एलसीएम ले लीजिए, या एक बार कॉमन निकालने बात का है, सेम है ये ना है, वही बनेगा जो हम लोग कल ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा आप तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए, और कल वाला ही है कि जब हम सब नेचुरल नंबर था 1 + 2 + 3 n तक था, तो n टाइम्स n प्लस 1 upon 2, बस यहाँ n है, वहाँ माइनस 1 अगर देखिए तो हम लोग खाली अगर 1/n² बढ़ा दो, तो आपने इतना क्वेश्चन कल किए थे, नहीं किए थे, किए थे आप, क्या किए थे, इतना कर चुके हो तो आप तो हो जाना चाहिए 2 1/n² है, और इसका लिखेंगे n n प्लस 1 तेरे की जगह पर माइनस 1 आ गया, यहाँ n बचेगा और 2 बचा, n बचा जी, अब तो किए थे कल, अब तो हो जाएगा, अब मुझे नहीं लगता कि बताने जरूरत आएगा, हाँ तो ठीक है, चलिए ये आंसर बताना है सिद्धार्थ को, कितना आंसर आएगा, प्लीज हाउ कैसे, एक बार तो कैसे क्या पुट करेंगे, पुट कर दूं इसको, कल ही करवाए गए थे, हाँ कर घर देखा हुआ नहीं, कल एक क्वेश्चन हो चुका है, कल घर घर क्या होगा, एकला पे कितना आंसर होगा, कैसे कहाँ जी लिखेंगे, जी लिखते हैं पर यही कर लिया, चलिए नवनीत कितना आंसर आएगा, कैसे कैसे एन की जगह पर रखेंगे, ऐसे नहीं अरे वो निकाल कर रखना, बोलो कर क्या है, लेकिन इसको नहीं आ रहा है, कर क्या है लेकिन नहीं आ रहा है, और हिमांशु कितना आंसर आएगा, पता नहीं कल ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे, आज एकदम किए थे, इस वाले को हम किए थे, इस वाले को खाली इसे छोड़ दो, कल एकदम किए थे हमने, अरे केदम किए थे, बाकी नहीं कैसे किए थे हम, कल कर चुके हैं, आपका व्हाट्सएप पे गया हुआ है, कल किया हुआ है, पहले एन वाले किए थे तीन बजे तक है, आए फिर यहाँ से मैंने सोलह नहीं किए थे, एकदम किए थे, अब यहाँ घर पड़ो तो नहीं होगा, है तो चले गए, तो व्हाट्सएप पर गया था, आप प्लॉट देखे घर घर पे नहीं देखे हो, मोबाइल छुएगा मोबाइल छूटा लेगा, मोबाइल मतलब छुएगा, फेसबुक चलाने के लिए आदमी चलाने के लिए छुएगा, अकेले नहीं छुएगा, है हाँ जी 2000 प्लस
नहीं मैं कल कुछ और मतलब कर रहे छुएगा ये है ना अपने में नहीं छुएगा चल ध्यान दीजिए पर अरे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा आधी जगह स्क्वायर है कि नहीं है हैं हम पता है स्क्वायर में एसएल बन जाएगा बनेगा कि नहीं बनेगा तो दोनों का हाइट पावर स्क्वायर है 2000 तो जब हाइट पावर उसका अपोजिट कितना उसका गुणा कितना है 1 है लेकिन नीचे 2 रहेगा तो 1/2 नहीं होगा आंसर हैं इसमें कुछ मेहनत है जी इसमें क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस का n नीचे का 2n स्क्वायर ये ना है लिमिट क्या बना n से कितना इंफिनिटी और ये 2 चलता जाएगा n स्क्वायर n होगा हैं आगे क्या करोगे छोटी सी सोचने का खर्च बताएगा फिर भी नहीं हो रहा है अब एक पढ़ के करोगे तो यहां n से कॉमन लीजिए कितना बचेगा 1 माइनस कितना 1 / n बचेगा नीचे क्या होगा 2n स्क्वायर है ना n जाएगा तो n स्क्वायर कॉमन लिया 2 रहेगा ठीक है खत्म यही रखा जाएगा है ना ये कट गया हैं 1 / 2 है लिमिट पुट करते हैं क्या 1 है क्या 0 सही ना होना चाहिए अंदर हो गया 1 / 2 ठीक है सर ये ले जी कि सिमंस क्वेश्चन आप उद्देश्य की क्या लग रहा है कि कुछ सीरीज बनाना है हाँ सर नमस्ते तो कौन सीरीज है जीपी है चलिए एपी तो है नहीं एपी में है क्या था ना एपी में क्या होता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए यानी फर्स्ट टर्म ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एट तक है ना इसमें ए टू माइनस ए वन करेंगे और ए थ्री माइनस ए टू करिएगा तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा ये किसमें है और ऐसे भी जब स्क्वायर में होता है क्यूब मतलब पावर जब बढ़ रहा है तो होता है क्या जीपी होता है तो जीपी के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सम निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा और क्या निकालना होगा सम तो सम निकालने का मतलब ध्यान दीजिए पर तो क्या होगा हम जानते हैं कि जब जीपी होता है तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सम का जीपी में फॉर्मूला याद है जब आपका ए ध्यान दीजिए जब ये ए स्क्वायर ए क्यूब है ना इधर से कहां तक हो अगर ये आपका ए एन तक है देख तो क्या फॉर्मूला होता है ऐसे का फॉर्मूला बोले सर नहीं सर ऐसे में क्योंकि ये आपका जब जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है चलिए ये सुनो ऐसे का सर ऐसे हां n / 2 n / 2 into 2a plus n - बाबू एपी का बोल रहा है वो एपी का बोल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो जीपी बोला है आपका लेकिन छोटी छोटी मामला ये होता है है ना अरे ये नहीं है कि इसका नहीं है नीचे का से नीचे नीचे मतलब घर वाले ने मान लो वो फॉर्मूला देख रहे हैं उन्होंने देखा तो ध्यान दिया पर तो एसएन का फॉर्मूला दो इसमें होता है जब आर 1 से बड़ा होता है तब आर 1 से छोटा होता है ध्यान दीजिएगा पर क्या फॉर्मूला होता है ये आपने कहा ए और 1 माइनस आर पावर का एन अपॉन 1 माइनस आर तब होता है जब क्या हो आर ले देनो वन हो और हमारा ये होता है ए आर की पावर एन माइनस वन और नीचे भी आर माइनस आर तब होता है जब आर क्या है ले तो बताइए कि यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में क्या होगा आर कितना लिख लेगा हम जानते हैं कि ए टू अपॉन क्या होता है ए वन होता है तो ए अपॉन यानी नाइन हो गया ना आर अपॉन उन्होंने थ्री एन जी तो कितना का वन भाई चलिए ये बोलना है सिद्धार्थ को वन भाई थ्री वन से बड़ा है या छोटा है मतलब वन थ्री जो है वन से ये आर है यार लिखना है आर क्या है कॉमन रेशियो मतलब कॉमन रेशियो है तो ये आर जो है वन थ्री वन से छोटा या बड़ा है छोटा है कौन से फॉर्मूला करेंगे ये वाला नहीं तो आइए हम लोग करेंगे
तो हमने क्या करना है, एसएन में करना है, तो एसएन पर ऐसे निकालेंगे हम, आइए तो क्या होगा, ये एल्फा शब्द किसका है, 1/3 है, और 1 कितना 1 कितना है, 3 का पावर कितना है, ये ना नीचे कितना है, n माइनस वन, यानी मतलब 1/3 r माइनस वन है ये, हाँ माइनस वन, आइए तो सॉल्व करते हैं, तो क्या, अरे बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, आप क्यों बोल देते हो, सॉल्व कीजिए 1/3 है ना, 1 माइनस, तो इसे कुछ कर नहीं सकते, प्लस नहीं कर सकते ना, अच्छा नहीं कर सकते ना, है ना, ध्यान दीजिए पर, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/3 - 1 कितना बचेगा, क्या है लिमिट होगा नहीं अब खेलना शुरू कर दोगे अब इतना दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 है, अब मल्टीप्लाई 3/2 और 1 कितना 1/3, अब लास्ट में इसका लिमिट क्या कर दीजिए, पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करेंगे तो ये तो कट गया, कितना आंसर यहाँ आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ हमने लिमिट कितना पुट करना है, इन्फिनिटी, तो 1/3 यानी कांस्टेंट का पावर क्या है, कांस्टेंट का पावर इन्फिनिटी, है ना, तो कांस्टेंट का पावर जब इन्फिनिटी और 1 में से माइनस हो रहा है, जब कांस्टेंट का पावर इन्फिनिटी होता है क्या होता है, कांस्टेंट का पावर क्या है, इन्फिनिटी, है ना, 1 को इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को मान इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर दिए हम उसको, तो क्या आंसर होगा वहां पर, 0 होगा, है माइनस थोड़ी को माइनस होगा, प्लस में ना, है ना, तो लास्ट के अंदर क्या बचा हमारा, 1/2 क्या बचा हमारा, यहां पर 1/2 बच गया, ठीक है हो गया, अरे तो वहां को किलोमीटर पर 1/3 से पावर है सर, सर किन वन का, अरे जा भाई, हां जी तो वहां से मिल जाएगा, तो कैसा बचेगा, नहीं लिखा है सर, चेक कर लीजिए, और तो 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 चेक